जय हिंद। देखिए नीट एग्ज़ाम पोस्टपोन के लिए कितने ट्वीट हो रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं इसका। आज नीट के एग्ज़ाम का जो कैंडिडेट है, नीट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए आज ये बहुत बड़ा डिसीज़न का दिन है, कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगा। देखिए इनमें क्या क्या आर्टिकल्स लगाया गया है ये ट्विटर पर, कि आफ्टर सो मैनी रिक्वेस्ट वी आर जस्ट फीड अप विथ यू एट रेट डी प्रधान बीजेपी सर, बिंग HRD मिनिस्टर, इट्स योर ड्यूटी टू टेक डिसीजन इन फेवर ऑफ स्टूडेंट, नॉट इन द फेवर ऑफ द करप्टेड कोचिंग माफिया एंड अदर एजेंसी, प्लीज इट्स द रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। ये इन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल्स तरह से छोटा सा लिख के रखा, उन्होंने दिखाया है, मैसेज दिया है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप इस तरह से पक्षपात ना करते, आप स्टूडेंट के फेवर में आपको रिजल्ट है। सो गाइज, और मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक फ्राइडे को एक नीट के एग्जामिनेशन को लेकर जो एक आर्टिकल भी छपा है, बच्चे इतने प्रेशर में थे कि उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया। इसकी मैं निंदा करता हूँ कि सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, और गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने बच्चे को प्रेशर ना डाले कि वो जीवन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये छोटी छोटी एग्ज़ामों को भी कर दे। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है लेकिन लाइफ से बढ़कर नहीं है। देखिए ट्वीट के बारे में अगर देखें कि देखिए 5 मिनट पहले भी ट्वीट हुआ है, अभी नया ट्वीट अगर आप देखते हैं 8 सेकंड पहले क्या कहा जा रहा है कि प्लीज़ सर पोस्टपोन नीट 2021 फॉर 15 to 20 days, इन केरला द कोविड केसेस आर वेरी हाई, देयर इज ऑल्सो हैवी रेन्स, इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू बिंग यू फॉर हेल्प यू प्लीज़। यानी यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि केरला में बहुत कोविड का केस बढ़ चुका है, बारिश भी हो रहा है, और उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज़ इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। अब भी आज फैसला आने वाला है, जो गाइज हम लोग फ्रेंड्स के साथ बने रहिएगा, देखते हैं क्या अप टू डेट आता है। जो भी अप टू डेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।